इस वीडियो में मैं आपको पोर्टेबल ऐप्स के बारे में बताऊंगा, जैसा कि आपने थंबनेल में पहले ही देख लिया होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, पोर्टेबल ऐप्स वो एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें आप अपने साथ कहीं भी कैरी कर सकते हैं और किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप में बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं, और वो भी बिना सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए हुए। तो इससे आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलेगा कि आप अपने पसंद के एप्लीकेशंस जो कि आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपने पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप में, उसे आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं और किसी भी दूसरे सिस्टम में आप यूज़ कर सकते हैं, और वो भी बिना इंस्टॉल किए हुए। तो चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूँ कि कैसे इसे यूज़ करना है, और आप इन एप्लीकेशंस को अपने पेन ड्राइव में, अपने यूएसबी ड्राइव में या फिर किसी भी अदर क्लाउड स्टोरेज में आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने ब्राउज़र ओपन कर लिया है और उसके बाद आपको सर्च में पोर्टेबल ऐप्स टाइप करना है और सर्च करना है, और जो फर्स्ट लिंक आपको यहाँ पर मिलेगा portableapps.com, उसको आपको ओपन करना है। और जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, आप आ जाएंगे सीधे portableapps.com के होम पेज पे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, सेट योर पीसी फ्री, योर फेवरेट ऐप, जो भी आपके फेवरेट ऐप्स है जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला हो गया, इसके अलावा आपको बहुत सारे ऐसे ऐप्स मिल जाएंगे, मैं आपको पूरा यहाँ डिटेल में बताऊँगा। आप इसे कैरी कर सकते हैं किसी भी पेन ड्राइव में या फिर क्लाउड स्टोरेज में, आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ग्रीन बटन पर क्लिक कर दिया और मैं यहाँ से इसे डाउनलोड कर रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे ये डाउनलोड का जो प्रोसेस है, आपको ये पेज मिलेगा, उसके बाद आपको फिर से नीचे आना होगा और यहाँ पे एक आपको ग्रीन बटन मिलेगा डाउनलोड फ्रॉम portableapps.com, इस पर आपको क्लिक करना है और थोड़ी देर में आपका जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो जाएगा। और एक बार ये एप्लीकेशन, ये बहुत ही छोटा सा एप्लीकेशन है और कुछ ही सेकेंड्स में ये डाउनलोड हो जाएगा, इसके बाद आपको इसे ओपन करना है। आप इसे सेव कर सकते हैं या फिर आप इसे रन कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर आप इसे सेव करेंगे तो उसके बाद आप जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपको इसे रन करना होगा और ओपन करना होगा। तो देखिए, मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो इसे मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ और इसे इंस्टॉल करता हूँ। तो देखिए, मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। उसके बाद आपको सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, तो मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद आई एग्री करना है टर्म्स लाइसेंस एग्रीमेंट को। उसके बाद न्यू इंस्टॉल पे क्लिक करना है, जो है फर्स्ट ऑप्शन। तो जैसे ही आप न्यू इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करना है यहाँ पे। और देखिए, यहाँ पे आपको वो डिवाइस सेलेक्ट करना है इंस्टॉल। देखिए, आप देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन इंस्टॉल टू ए पोर्टेबल डिवाइस, नीचे जो ऑप्शन है वो क्लाउड स्टोरेज के लिए है। तो देखिए, यहाँ पे मेरा जो पेन ड्राइव मेरे कंप्यूटर में लगा हुआ है, मेरे लैपटॉप में, वो आ चुका है। एफ ड्राइव वो मेरा लैपटॉप में जो पेन ड्राइव है उसका लोकेशन है, तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया और इस पर आपको इंस्टॉल करना है। तो आपको अपने आपके कंप्यूटर में जो भी आपका पेन ड्राइव है या फिर जो स्टोरेज है, उसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके और उस पर इंस्टॉल कर लेना है। तो पोर्टेबल ऐप्स जो है, ये एक एप्लीकेशन है जिसे आपको अपने पेन ड्राइव में सिर्फ एक बार इंस्टॉल करना है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोस्टली यूज्ड जो एप्लीकेशंस है, जैसे कि क्रोम हो गया, क्रोम तो लगभग सभी लोग यूज़ करते हैं इस ब्राउज़र को। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम दूसरे कंप्यूटर में काम करते हैं, जैसे कि अगर कोई साइबर कैफ़े में आप जाते हैं या फिर किसी अदर कंप्यूटर में अगर आप काम करते हैं, तो वहाँ आपको क्रोम नहीं मिलता है। तो उस केस में क्या होता है कि आपको क्रोम ब्राउज़र आपको डाउनलोड करना पड़ता है। एक बहुत ही बड़ा फाइल है, 100 MB से ज़्यादा का फाइल है, उसे आपको डाउनलोड करना पड़ता है। देखिए, यहाँ हो चुका है, इस पर फिनिश पर क्लिक करना है। तो मैं जैसा कि कह रहा था कि आपको अगर क्रोम ब्राउज़र चाहिए होता है तो आप उसे डाउनलोड करते हैं, उसे इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद आप उसे यूज़ करते हैं। तो इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत बार ऐसा होता है कि लिमिटेड एक्सेस होने के कारण आप उसे इंस्टॉल भी ना कर सकें। तो इस ऐप की मदद से आप बहुत ही आसानी से पेन ड्राइव में, यूएसबी ड्राइव में आप उस एप्लीकेशन को आप कैरी कर सकते हैं और जहाँ चाहें आप अपने पेन ड्राइव को लगा के उसे यूज़ कर सकते हैं। क्रोम ब्राउज़र के अलावा जैसे कि आपको बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन से यहाँ मिल जाएंगे, मैं आपको पूरा यहाँ पे दिखाऊंगा। देखिए, यहाँ पे ये अभी ऐप्स जो लिस्ट है वो ओपन होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आ चुका है, यहाँ आप देख सकते हैं डाउनलोड न्यू पोर्टेबल ऐप्स। तो ये जो सारे ऐप्स हैं, ये पोर्टेबल ऐप्स हैं। तो पोर्टेबल का मतलब आप वर्ड से ही समझ सकते हैं कि पोर्टेबल मीन्स आप इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं, आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इसे सिर्फ एक बार आपको आपके पेन ड्राइव में इंस्टॉल करना है और आप उस पेन ड्राइव को कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो देखिए, अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से यहाँ पे देखिए बहुत सारे एप्लीकेशन है, एजुकेशन है, डेवलपमेंट है। आप जो भी एप्लीकेशन चाहे उस पर क्लिक करके आप चेक करके उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ गेम्स है, बहुत सारे गेम्स है, आप चाहे तो कोई भी गेम अगर आप अपने पेन ड्राइव में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं और आप अपने पेन ड्राइव के थ्रू आप किसी भी सिस्टम में उस गेम को आप प्ले कर सकते हैं।
तो आपको इसी तरह से देखिए सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट कोई भी जो एप्लीकेशन उसे सिलेक्ट करेंगे वो नेक्स्ट का जो ऑप्शन है नीचे वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो देखिए बहुत सारे गेम्स है, ग्राफिक्स एंड पिक्चर से रिलेटेड बहुत सारे एप्लीकेशंस है। अगर आप जैसे फ़ोटो एडिटर्स यूज़ करना चाहते हैं, इसके अलावा बहुत सारे आपको इमेज एडिटर्स, इमेज व्यूअर्स मिल जाएंगे, फ़ोटो क्रिएटर्स मिल जाएंगे। देखिए इंटरनेट से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे एप्लीकेशंस है, वीडियो से रिलेटेड आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस है, ब्राउज़र्स है जैसे कि गूगल क्रोम में आपको बता रहा था, देखिए यहाँ पे है फ्री डाउनलोड मैनेजर है। आप जैसे कि अगर आप फ्री डाउनलोड मैनेजर अगर यूज़ करते हैं तो उसे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ आपको बहुत सारे ब्राउज़र्स मिल जाएंगे, इंटरनेट से रिलेटेड मैसेजिंग से रिलेटेड आपको बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे, मेल से रिलेटेड आपको यहाँ पे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे RSS रीडर है, बहुत सारे एप्लीकेशंस है, और ये सारे जो एप्लीकेशंस है ये फ्री है। इसका जो लाइसेंस आपको मिलेगा वो फ्री मिलेगा आपको, मतलब कि इस एप्लीकेशंस को परचेज भी नहीं करना है। आप इसे सिर्फ एक बार अपने आपको इसे पेन ड्राइव में इंस्टॉल करना है और उसे आप अनलिमिटेड टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। तो देखते रहिए, मैं ऐसे पूरा आपको लिस्ट यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं बहुत सारे एप्लीकेशन से, देखिए मीडिया प्लेयर्स है, VLC मीडिया प्लेयर आप देख सकते हैं यहाँ पे है जो बहुत ही पॉपुलर है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे मीडिया प्लेयर्स मिल जाएंगे। ऑफिस से रिलेटेड देखिए आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे, वर्ड, नोट पैड आप देख सकते हैं, पोर्टेबल यहाँ पर एप्लीकेशन है जैसे कि वर्ड एप्लीकेशन। अगर आपको वर्ड फाइल्स ओपन करना है, एक्सेल फाइल ओपन करना है, तो आप बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिसे आप एक्सेस करेंगे तो उसमें शायद आपको वो एप्लीकेशन ना मिले, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें से एक एप्लीकेशन सिलेक्ट कर ले सकते हैं और उसे पेन ड्राइव में अपना इंस्टॉल करके आप उसे किसी भी सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको एक एडवांटेज मिल जाएगा, आप दूसरे अगर सिस्टम में सपोज़ आपका जो आप जो भी सिस्टम यूज़ करेंगे उसमें आपको अगर ऑफिस से रिलेटेड एप्लीकेशन नहीं मिलता है तो आप आसानी से इस एप्लीकेशन के ज़रिए आप ऑफिस फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं फ्रेंड्स, तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगे। देखिए टीम व्यूअर भी है, रिमोट एक्सेस के लिए भी एप्लीकेशंस है। तो देखिए यहाँ पे पूरा लिस्ट है एप्लीकेशंस का, तो देखिए ये ख़त्म हो चुका है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था फ्रेंड्स, पोर्टेबल एप्लीकेशंस जो है बहुत ही आसानी से आप अपने पेन ड्राइव में इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे जो आपको स्टेप्स बताया है वो पेन ड्राइव में इंस्टॉल करने का बताया है, और मैं आगे आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करके भी दिखा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ नोट पैड यहाँ पे प्लस प्लस एक एप्लीकेशन है, टेक्स्ट एडिटर है, इसे मैं इंस्टॉल करता हूँ। ज़्यादातर जो नोट पैड हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है वो नोट पैड होता है, बट नोट पैड प्लस प्लस यहाँ पे एक एप्लीकेशन है जो कि मैं अभी आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ समय लगेगा, आपको जस्ट एक बार इसे इंस्टॉल कर लेना है अपने पेन ड्राइव में, और उसके बाद आप इसे इस पेन ड्राइव को जिस किसी कंप्यूटर में लगाएंगे आप नोट पैड प्लस प्लस आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है और कुछ ही सेकंड्स में ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो अगर वो बड़ा फाइल है तो थोड़ा सा पहली बार आपको समय ज़्यादा लगेगा और उसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये इंस्टॉल हो चुका है, पोर्टेबल ऐप ऐड हो चुका है हमारे पेन ड्राइव में। मैंने इसे फिनिश क्लिक कर दिया, अब मैं इसे ओपन करके आपको दिखाऊंगा। तो देखिए मैं अपने कंप्यूटर में यहाँ पे जा रहा हूँ, अपने PC में, और अच्छा मैं इसे ज़ूम कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा पेन ड्राइव है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, USB ड्राइव F ड्राइव है, इस पर मैं क्लिक करके, और देखिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल किया वो यहाँ आपको मिल जाएगा। पोर्टेबल ऐप्स में जाना है और देखिए यहाँ नोट पैड प्लस प्लस पोर्टेबल आ चुका है, तो यही वो एप्लीकेशन है। और यहाँ देखिए एप्लीकेशन है, इस पर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे नोट पैड प्लस प्लस एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अब ये जो है ये मैंने सिर्फ एक ही बार इसे इंस्टॉल किया, और अब आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी अदर सिस्टम में। आप सिर्फ पेन ड्राइव इंसर्ट करेंगे किसी भी अदर कंप्यूटर में और वहाँ पे आप एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। तो देखिए ये नोट पैड प्लस प्लस मैंने इंस्टॉल कर लिया। तो इसके अलावा बहुत सारे आपको एप्लीकेशंस मिल जाएंगे यहाँ पे, फ्री एप्लीकेशंस है और बहुत आसानी से आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं फिर से एक बार जा रहा हूँ एफ ड्राइव में, देखिए हाँ ये यहाँ पे आ चुका है। देखिए यहाँ से अगर आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो जो नोट सॉरी जो पोर्टेबल ऐप्स एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप चाहे तो इसे यहाँ नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ आपको, फिर से वो लिस्ट मैं दिखाता हूँ कैसे ओपन करना है। तो देखिए यहाँ पे ऐप्स है ऊपर में, सॉरी यहाँ देखिए ऐप्स है, उसके बाद आपको जाना है गेट मोर ऐप्स बाय कैटेगरी,
और जैसे ही आप इस पे जाएंगे, देखिए वो पूरा लिस्ट आ जाएगा जो कि मैंने आपको दिखाया था, चेकिंग फॉर ऐप्स, जो भी अपडेटेड ऐप्स हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। और उसके बाद इसे आप बहुत ही आसानी से इंस्टॉल कर ले सकते हैं अपने पेन ड्राइव में। सिमिलरली आप इसे क्लाउड स्टोरेज में भी यूज़ कर सकते हैं, क्लाउड स्टोरेज में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और आप क्लाउड स्टोरेज के थ्रू आप किसी भी अदर लैपटॉप या पीसी में इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही वो एप्लीकेशन थी जिसे मैं बताना चाहता था। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।